जय एफएम साथियों, आज हम बनाने वाले हैं वेज बाइट स्टू। तो उसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए, यहाँ हमने चार मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, हमने इन्हें रफली चॉप कर लिया है। यहाँ दो टेबल स्पून हमने साबुत लहसुन लिया है, वन टेबल स्पून हमने अदरक का पेस्ट, और दो से तीन मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, उसे हमने इस तरह से काट लिया है। साथ ही साबुत मसालों में हमने एक टी स्पून साबुत धनिया, चार से पांच हमने साबुत लाल मिर्च लिए, और थोड़े हमने गरम मसाले लिए हैं जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग है। आर्थिंग मसालों में हमें 1 टीस्पून नमक, 3 टीस्पून हमने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, आधा टीस्पून हमने हल्दी पाउडर, और 120 ml के करीब हमने हेल्थ गार्ड ऑयल लिया है, यानी कि 2 बड़े चम्मच हमने हेल्थ गार्ड ऑयल लिया है। साथ ही हमने 350 ml पानी लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम हमारे वेज बाइट के पैकेट को खोल लेंगे। अब हम इसको बीच में से काट लेंगे और इसके पीसेस को अलग कर लेंगे। अब हम एक कुकर लेंगे और जो हमारा वेज बाइट है उसे उस कुकर में डायरेक्टली हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही जो वेजिटेबल्स है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और सारे मसाले। अभी सब सामग्री को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। अब जो हमने 350 ml जो पानी लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब हम गैस ऑन करके 4 से 5 विसल आने तक इंतज़ार करेंगे। की ले ली है। अब इसका प्रेशर जब निकल जाएगा कुकर का, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे। तो अब हम इसका विसल, इसका प्रेशर निकलने का हम इसका इंतजार करेंगे। हमारे कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसको, इसके ढक्कन को खोल देंगे और जो टमाटर हमने यहाँ काट के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही गैस का फ्लेम ऑन करके इसको तेज़ आँच पे भुनेंगे। अच्छे से भून लिया है और इसमें जो हमने टमाटर ऐड किए थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम कम करके इसको 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे लो आंच पे पकाएंगे। अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और हमारा वेज बाइट स्टू बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारा वेज बाइट स्टू बनकर तैयार है। आप इसे पराठे और रोटी के साथ